नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी वैकेंसी की दोस्तों विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। दोस्तों, हाँ जी मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट की वैकेंसी के बारे में दोस्तों, जो कि आपकी 10वीं पास होने वाली है और दोस्तों एकदम सीईटी से बाहर ये भर्ती आपकी होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, जो पशु परिचर की वैकेंसी आई है 5,934 पोस्टों के ऊपर दोस्तों ये वैकेंसी की विज्ञप्ति जारी हुई है। तो दोस्तों, इससे पहले कि अपन ने बात कर ली है कि क्या तो इसका सिलेबस होगा और कौन सी कैटेगरी की क्या दोस्तों सीटें आपकी इसमें रहने वाली है और सिलेबस के कितने पार्ट हैं, तो दोस्तों ये सभी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों, वहां से आप ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि सिलेबस में अपन पार्ट बी के लिए जो वेटनरी से संबंधित आपका पार्ट है उसकी अपन तैयारी कंटिन्यू करेंगे, तो दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए अपन ने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट किए हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा कि CSWRI कहाँ पर स्थित है दोस्तों, इसार, अविका नगर, इज्जत नगर या करनाल। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो आपका CSWRI होगा दोस्तों, ये अविका नगर के अंदर दोस्तों स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, डबल साइड लाइन विधि किस जानवर को नियंत्रित करने का दोस्तों तरीका होता है, यानी जो डबल साइड लाइन विधि होती है दोस्तों ये जानवर को नियंत्रित करने के एक तरीका होता है या विधि होती है। अब दोस्तों, इसके द्वारा किसे नियंत्रित करेंगे, गाय को, घोड़ा को, कुत्ता को या भैंस को। तो दोस्तों, यह घोड़े को नियंत्रित करने की यानी डबल साइड लाइन विधि होती है, हॉर्स को कंट्रोल करने की एक विधि होती है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इलास्टिरेटर उपकरण किस काम में लिया जाता है, सींग रोदन के लिए दोस्तों, बदियाकरण के लिए, खुरेरा के लिए दोस्तों, कोई नहीं। दोस्तों, सींग रोदन के लिए तो आपका इलेक्ट्रिकल डी होनर काम में लिया जाता है। जो इलास्टिरेटर होता है दोस्तों ये सींग वो बदियाकरण के लिए दोस्तों, कास्टिरेशन के लिए काम में लिया जाता है दोस्तों। इसमें ब्लड बाहर नहीं आता है, अर्थात ये रक्त विहीन यानी रक्त से विहीन जो रक्त के बिना की जाती है वो दोस्तों इलास्टिरेटर के द्वारा बद्धीकरण किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुर्गी में अंडवाहिनी का कौन सा भाग एल्बुमिन को स्रावित करता है, कि मुर्गी में अंडवाहिनी का ऐसा कौन सा भाग है जो एल्बुमिन स्रावित करता है, इन्फंडिबुलम, इस्थमस, यूट्रस या मेगनम। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे जो मेगनम होता है, ये मुर्गी के अंडवाहिनी के अंदर दोस्तों एल्बुमिन दोस्तों स्रावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बछड़े को शरीर के वजन का कितना प्रतिशत खीस पिलाते हैं और कितने समय तक पिलाया जाता है, 10% 3 दिन के लिए, 15% 4 दिन के लिए, 5% 5 दिन के लिए या 20% 4 दिन के लिए। तो दोस्तों बछड़े का जो वजन का दोस्तों 10% तो दोस्तों खीस पिलाना चाहिए और कितने दिनों तक पिलाना चाहिए, 3 दिनों तक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 10% तक तो खीस पिलाना चाहिए शरीर वजन का और 3 दिनों तक दोस्तों पिलाना चाहिए कंटिन्यू। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मुर्गी में अंडे देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, दोस्तों जो मुर्गी में अंडे देने की प्रक्रिया होती है उसे ओविपोषण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओविपोषण बोला जाता है मुर्गी में अंडे देने की प्रक्रिया को। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सुअर का झुंड क्या कहलाता है, फोल्क, हेर्ड, ट्रिप या दोस्तों ड्रोव। तो दोस्तों जो सुअर का झुंड होता है उसे ड्रोव बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मिल्क क्वीन के नाम से जाने जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी होगी, जमनापुरी, सानेन, जाफराबादी या दोस्तों अल्फाइन। तो दोस्तों जो मिल्क क्वीन के नाम से जानी जाती है बकरी की नस्ल वो कौन सी होती है, सानेन नस्ल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राठी किसका मिश्रण होती है, तो दोस्तों जो राठी गाय होती है ये सिंधी, साहीवाल, थार पारकर, इन तीनों का ही दोस्तों, और दोस्तों नस्ल लगाई जाए तो धानी नस्ल और होती है जो राठी का मिश्रण होती है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 14% मिल्क फैट तांबे जैसा त्वचा का रंग किसकी विशेषता होती है, भदावरी की,
मैसाना की, जाफराबादी की या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 14% मिल्क फैट होता है, तांबे जैसा रंग होता है, ठीक है, त्वचा का रंग होता है तांबे के। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भदावरी नस्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भैंस एवं गाय में सबसे लंबा दुग्ध काल क्रमशः किसमें होता है? जो भैंस और दोस्तों गाय में सबसे लंबा दुग्ध काल जो होता है वो मैसाना और जर्सी का होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर दोस्तों सबसे लंबे दुग्ध काल के बारे में अगर बात कर ली जाए भारत की देसी नस्लों के बारे में, ठीक है, गाय के बारे में, तो दोस्तों जो गिर नस्ल होती है ये भारत की ऐसी देसी नस्ल है जिसका सबसे लंबा दुग्ध काल होता है, लगभग 325 दिनों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। शरीर का काला शाह रंग, जलेबी नुमा सींग विशेषता होती है मुर्रा की, जाफराबादी की, नीली रावी की या दोस्तों मैसाना की। तो दोस्तों काला शाह रंग, जलेबी नुमा सींग जो विशेषताएं होती हैं दोस्तों ये मुर्रा भैंस की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भैंस एवं गाय की सबसे भारी नस्ल क्रमशः कौन सी होती है? भैंस और जो दोस्तों गाय की सबसे भारी नस्लें होती हैं वो होती हैं जाफराबादी एवं कांकरेज जो होती है। दोस्तों गाय की सबसे भारी नस्ल है और भैंस की जो है सबसे भारी ये जाफराबादी नस्ल है मेरे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की देसी नस्ल कौन सी होगी? दोस्तों सबसे ज्यादा दूध देने वाली जो गाय की देसी नस्ल होती है वो साहीवाल नस्ल होती है। कौन सी नस्ल होती है? साहीवाल नस्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सवाई चाल किसकी विशेषता होती है? तो दोस्तों जो सवाई चाल होती है ये कांकरेज गाय की जो नस्ल होती है इसकी दोस्तों विशेषता होती है कौन सी? सवाई चाल। तो दोस्तों इसी प्रकार से कंटिन्यू वेटनर से जुड़ी हर एक क्लास पाने के लिए बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीश्याम क्लासेस पर, और आगे भी दोस्तों इसी तरीके से कंटिन्यू आपके लिए लगातार क्लासेस आती रहेंगी।